students, good morning. Our today's chapter is Guesses My Names. Guesses My Names. देखो यहाँ पे आपको कुछ animals के बारे में कुछ animals की pictures show हो रही होंगी आपको, ठीक है? तो उसमें आपको क्या दिया हुआ है, मतलब hint दिया हुआ है आपको, इनका मतलब इनकी जो shadow pictures हैं वो आपको दी हुई है, ठीक है? और उनमें आपको क्या बनाना है, इन एनिमल्स के नेम आपको बताना है, ठीक है? और इनको वर्ड्स को जो है आपको रीअरेंज करना है, ओके? ये मिरर इमेज आपको दी हुई है. नाउ गेस इज माय नेम फ्रॉम द साउंड आई मेक, ठीक है? मतलब जो साउंड है इनका, क्या इनका साउंड आता है, ठीक है, उस बेसिस पे और आपको इनका नेम बनाना है. कि हाउ मे यूज द हिंट एक्सप्लोरर, ठीक है? और आपको ये जो हिंट्स दिए हुए हैं इनका आपको क्या करना है, यूज करना है और आपको इन एनिमल्स का नेम बताना है, ठीक है? सो आवर फर्स्ट पिक्चर, ओके, इसमें अपने को करना क्या है, जो अपने को यहाँ पे देखो पिक्चर्स दी हुई है, यहाँ पे आपको क्या हुआ है, तो पिक्चर्स दी हुई हैं, इनकी शैडो है, ठीक है? और इसके अलावा इनका जो मतलब साउंड है, ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो आपको दिया हुआ है. तो उस बेसिस पे आपको क्या करना है, इनको गैस करना है और आपको बताना है. अब देखो इस टाइप से कौन सा एनिमल होता है जिसके टू लेग्स होते हैं, फियर्स होते हैं, इसमें बीक होती है, वो इस टाइप की होती है. ये बीक कैसी है, फ्लैट बीक होती है, ठीक है? और इसमें आईज होती है. और ये जो एनिमल है इसका साउंड कैसा होता है, क्वैक. ये कैसे साउंड करता है, क्वैक. कैसे साउंड करेगा ये, क्वैक. इस टाइप का जो साउंड है कौन से एनिमल का होगा, ये कौन सा एनिमल है ये आपको बताना है. और कैसे, देखो आपको इनकी ये शैडो है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और इनका जो साउंड है उसको आपको क्या करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर आपको बताना है कि ये इस टाइप का मतलब एनिमल कौन सा होता है और इस टाइप का जो साउंड है वो कौन सा होता है. तो ये जो साउंड है क्वैक, कौन सा एनिमल करता है ये साउंड, कौन सा एनिमल करेगा, और इस टाइप से पिक्चर कौन से एनिमल की होती है, कौन से एनिमल की होगी, तो ये क्या हो जाएगा, डक. कौन सा एनिमल है ये, डक. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट अपने पास है कौन सा, देखो इस टाइप से इसके फियर्स होते हैं, इसके लेग्स की शेप आप देख पा रहे हो और इसका जो हेड है उसमें भी कुछ इस टाइप से कुछ बने हुए हैं, ठीक है? इस टाइप से उससे कुछ बने हुए हैं, ठीक है? और इसके जो लेग्स हैं उसमें देखो ये टॉ एंड फिंगर्स भी आप देख पा रहे हो इसके लेग्स की, ठीक है? इसकी आपको शेप देखनी है अच्छे से, हर चीज़ इसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी है और फिर आपको बताना है. और इसका साउंड कैसा है, क्लक क्लक. कौन करता है इसे साउंड, क्लक. कौन से एनिमल का होता है ये साउंड, दैट इज क्लक. सो हैन, ये आप देख पा रहे हो ये कौन सा एनिमल हो जाएगा, हैन हैन. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, ये पिक्चर आप देख पा रहे हो इसके जो फियर्स है वो डाउन साइड है और इसके जो टॉय है इसमें फोर टॉयज हैं, वन फ्रंट मतलब वन तो है बैक साइड और थ्री टॉयज कैसे हैं इसके फ्रंट साइड में है. और इसका जो साउंड होता है ये कौन सा साउंड करता है, काउ. कौन सा साउंड करता है, काउ, ठीक है? और इसकी जो बीक होती है वो कैसी बीक होती है, इस टाइप से फ्लैट बीक होती है. ओके, नाउ तो ये कौन सा मतलब कौन सा एनिमल हो जाएगा, इसमें कौन सा एनिमल है, आपको अच्छे से इसकी जो पिक्चर है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. नाउ दिस इज क्रो, ये क्या हो जाएगा, क्रो. कौन सा एनिमल है ये, क्रो. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट We have is next, अपन बात करेंगे अपने next animal के बारे में, ठीक है? इस टाइप से मतलब इसके four legs होते हैं, ठीक है?
और ये टू इसके ईयर्स हो गए, इसकी आईज भी आप देख पा रहे हो, जो डार्क में इट मीन्स जब डार्कनेस होगी इट मीन्स अंधेरा होगा तो इसकी आईज इस टाइप से क्या करती है, शाइन करती है, और इसकी जो टेल है वो हमेशा इस टाइप से रहती है, इसकी टेल इस टाइप से हमेशा इस टाइप से रहती है, ठीक है, ये डाउन नहीं होती है। तो इसका साउंड कैसा हो जाएगा, म्याऊ, इसका साउंड कैसा हो जाएगा, म्याऊ। तो इस टाइप का कौन सा एनिमल होगा अपने पास, कौन सा एनिमल है ये, कैट, कौन सा हो जाएगा, कैट, कौन सा एनिमल होगा ये, कैट, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव इज, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप इसकी स्ट्रक्चर अच्छे से ऑब्जर्व करना, आपको इसमें कितने लेग्स हैं, लेग्स इसमें बताने आपको, ठीक है। तो इस टाइप के इससे क्या होते हैं, फोर लेग्स होते हैं, वन टेल होती है इसकी, ठीक है, एंड इसके जो ईयर्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा इस टाइप से डाउन साइड रहते हैं, हमेशा डाउन साइड रहते हैं। और ये जो एनिमल है इसका जो साउंड है वो कैसा होता है, बाग, ये क्या करता है, हमेशा बाग करता है, क्या करता है, बाग करता है। तो ये एनिमल कौन सा एनिमल हो जाएगा, कौन सा एनिमल होगा ये, डॉग, क्या होगा ये, डॉग, ओके। डॉग क्या करता है, बाग करता है, बाकिंग करता है, इट मीन्स ये भौंकता है, ये क्या करता है, भौंकता है, ठीक है। इट मीन्स आपको इसकी जो सारी जो मतलब पूरी जो इसकी स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट आपको देखना है इसमें, वन टैल होती है, नेक्स्ट पिक्चर आप देख पा रहे हो, वन टैल होती है इसमें, एंड फोर लेग्स होते हैं, देखो इसके फोर लेग्स हैं, ये टू लेग्स हो गए, टू लेग्स ये हो गए, फोर लेग्स है, ठीक है। हॉर्न आप देख पा रहे हो इसके, ये क्या है, हॉर्न, इसमें टू क्या होते हैं, हॉर्न होते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसके, इट मीन्स ये क्या करती है, मिल्क गिविंग एनिमल है, जो एनिमल मिल्क देता है, ठीक है। और इसका साउंड कैसा होता है, माउ, माउ, इसका साउंड कैसा होता है, माउ, ओके। एंड नाउ इस टाइप का जो एनिमल है ये कौन सा एनिमल हो गया, ये कौन सा एनिमल होगा, काऊ, कैसा एनिमल है ये, काऊ, ठीक है। इसी टाइप से इसका साउंड कैसा होता है, माउ, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपने पास है जिसकी टेल किस टाइप से रहती है, इस टाइप से, और इसके हेड पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, इसके हेड पे इस टाइप से काफ़ी सारे हेयर्स होते हैं, ठीक है, थीके? और इसके फोर लेग्स होते हैं, इनके फोर लेग्स होते हैं, और ये क्या करता है, हमेशा रोर करता है, इसका साउंड कैसा होता है, रोर, कैसा होता है, रोर। सो इस टाइप का एनिमल कौन सा एनिमल हो गया, कौन सा एनिमल होगा ये, ठीक है, जो रोर करता है, इसका साउंड हमेशा सबको लर्न रहता है, ये कौन सा एनिमल हो गया जो रोर करता है, ये क्या हो जाएगा अपना, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा एनिमल है। सो दिस इज लोयन, ठीक है। तो लोयन क्या करता है, रोर करता है, लोयन क्या करता है, रोर करता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या हो गए अपने, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हो गए। इसमें अपन ने देखा किस किस के बारे में अपन ने स्टडी किया, डक, हैन, काउ, कैट, डॉग, काउ एंड लोयन के बारे में अपन ने स्टडी किया, जिसमें अपन ने देखा इनकी शेप्स के बारे में और इनका जो साउंड है, जो साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं उस साउंड के बारे में अपन ने स्टडी किया, ठीक है। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, थैंक यू।